तो गाइज़ हाय वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो जो होने वाला है, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई तुम इतना अच्छा फिजिक मेंटेन करते हो, तुम बॉडी बनाते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, पावर लिफ्टिंग करते हो, तो डाइट क्या रहता है। लोग तो सोचते हैं कि बहुत महंगा डाइट लेना पड़ता है, मुझे 15-20 हज़ार लगते हैं। वैसा कुछ भी नहीं है गाइज़। तो मैं आपको आज का वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ मेरा रूटीन जो मैं फॉलो करता हूँ लीन रहने के लिए। और आप बिलीव करो, 100 से 150 रुपए के अंदर में आपका पूरा फुल डे ऑफ ईटिंग आ जाता है इसमें। तो मैं आपको सारा चीज़ बताने वाला हूँ, मैं सुबह से शाम तक क्या खाता हूँ, और आप भी अपने डाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे मालूम है मोस्ट ऑफ़ द पीपल जो फिटनेस में आते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं। एंड एक ही चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो होती है डाइट को फॉलो करना। पैसे नहीं होते हैं, मैं वैसा कॉलेज स्टूडेंट रह चुका हूँ, उस समय भी मैं जिम करता था। तो मैं वो सारे चीज़ अपना लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आज मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या रियलिटी में ज़रूरी है खाना। चलो दिखाते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक सप्लीमेंट के बारे में बताने वाला हूँ, वो है मसल ब्लेस का फ़िश ऑयल 1000 mg। ये बहुत हेल्पफुल है आपके बोन्स के लिए, हार्ट के लिए, स्किन के लिए। ये है इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली सर्टिफाइड फिश ऑयल जो है लैबडॉर यूएसए से टेस्टेड। इसमें आपको कोई भी लीड, मरकरी, हैवी मेटल्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके हर एक कैप्सूल में आपको 180 EPA एंड 120 DHA मिलता है, जो कि आपके हर्ट, मसल रिकवरी एंड मसल ग्रोथ में वो बहुत हेल्प करता है। जब भी आप ये फिश ऑयल यूज़ करते हो तो कोई भी फिशी आफ्टर टेस्ट नहीं मिलता है। एंड दिस विल सपोर्ट योर जॉइंट, हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ भी आपको सपोर्ट करता है। ऑल्सो गाइज, मसल ब्लेस का फिश ऑयल आपके ओवरऑल इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है एंड आपके पोस्ट रिकवरी को भी बहुत सपोर्ट करता है। ऑल्सो गाइज, एज एन स्ट्रेंथ एथलीट जो मैं हूँ, पावर लिफ्टिंग करता हूँ, तो मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा, बिकॉज आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हो, हैवी सिंगल्स लेते हो, हैवी डबल्स करते हो। जरूर रिकमेंड करूँगा 2 टैबलेट दिन भर में कभी भी अपने डाइट पे ऐड करने का। मेरा कूपन कोड है कुनालम्बी, वो यूज़ करना मत भूलना। इसका जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर लेना। ऑल्सो गाइज, द ग्रेट परफॉर्मेंस सेल लाइव होने वाला है 21st से 25th of March मसल बेस के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आपको इसमें बहुत सारे डिस्काउंट, बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे, जाके चेकआउट कर लेना। दीजिए भैया 50 का, दीजिए बारकोड। तो 250 ग्राम चिकन लेके जा रहा हूँ 50 रुपये का, बहुत ज़्यादा नहीं है। और इसमें आपको 100 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि जब ये बॉयल होके बनेगा तो ये 200 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू भैया। तो ये है 100 ग्राम प्रोटीन, चलते घर और इसको कुक करते हैं। तो गाइज़, वो देखा आप लोगों ने, मैंने ये मेरा डेली का रूटीन है, मैं जाके 50 रुपये का चिकन लेता हूँ। 50 रुपये का चिकन लेना बहुत बड़ा डील नहीं होगा मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि कोई ट्यूसडे सैटरडे को नहीं खाता है चिकन, बहुत सारे फेस्टिवल भगवान को मानते हैं तो उस दिन नहीं खाते हैं। तो आप उस दिन को छोड़ सकते हैं, पनीर को ऐड कर सकते हो उस दिन उसी टाइम पे। एंड मेरा डेली का है 50 रुपये में, मैं 2 टाइम का कुक कर लेता हूँ, दोपहर और रात का, तो मैं 100-100 ग्राम स्प्लिट कर देता हूँ। तो देखा आपने 250 ग्राम था, उसके साथ क्या क्या लेना है। मैं आपको डिवाइड करता हूँ प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, 3 कैटेगरी में करता हूँ कि आप 3 कैटेगरी में कैसे कैसे चूज़ कर सकते हो। प्रोटीन के लिए चिकन आपने देखा, ये रहेगा एक अंडा का ट्रे। अभी अंडा का ट्रे बहुत सस्ता है, 150-160 रुपीज़ 1 ट्रे मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद कार्ब्स में अगर मैं देखता हूँ, कार्ब्स में क्या खा सकते हो आप, सबसे बढ़िया चीज़ आलू एंड वाइट राइस, ये दोनों मेरा बेस्ट प्री वर्कआउट मील है। जैसे अभी मैं कुछ देर में ट्रेनिंग करूँगा तो आई विल बी हैविंग वाइट राइस 150 से 200 ग्राम। अभी मैं, मेरा कंपटीशन है तो मैं 150 ग्राम खाता हूँ, थोड़ा सा मैं अपने आप को लीन रख रहा हूँ क्योंकि कॉम में वेट कट करना पड़ता है। तो ये है कार्ब्स एंड प्रोटीन के लिए आप सोया चंक यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत सस्ता है। तो कार्ब्स के सोर्स में और एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, दैट इज़ ओट्स। ये MB का ओट्स है, प्रोटीन ओट्स है, इसमें आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। लेकिन आपका अगर बजट कम है तो आप नॉर्मल दलिया भी खा सकते हो, लेकिन इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कैलकुलेट करके रखा है। इसका जो प्राइस रहता है वो 1275 है। एंड अगर आप अपने भाई का कूपन कोड यूज़ करोगे 1103 पड़ेगा, दैट इज़ 1103 रुपये फॉर 2 kg। और अगर आप 50 ग्राम डेली यूज़ करते हो, जो मैं यूज़ करता हूँ 50 ग्राम डेली मेज़र करके, तो आपको 40 दिन तक का आ जाएगा। ये पीनट बटर भी है MB का, 549 रुपीज़।
एज प्रॉमिस्ड, अगर आप मेरे कुणाल एमबी यूज़ करोगे कोड तो आपको पड़ेगा 487 रुपीज़, और वो आराम से एक महीना तक आ जाएगा। चलो 490 रुपये आप एक महीना तक इन्वेस्ट कर रहे हो। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पीपल फॉरगेट टू ऐड इन इन देयर डाइट, जो मैं बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी के साथ करता हूँ, वो है वेजिस खाना। आप देख रहे होगे ये मेरा ये वीक का है ये पूरा, ठीक है। मैं बहुत डेली 200 से 300 ग्राम वेजिस खाता हूँ। इसमें आप कोई भी, मैं सिर्फ ये दो चीज़ को रिकमेंड करूँगा, पालक एंड बीन्स को, ये दोनों आप ऐड कर सकते हो अपने कोई भी मील में। आप जब भी खाना खा रहे हो, जस्ट ऐड 150 to 200 ग्राम ऑफ वेजेस इन टू दैट। इसमें आपको क्या होगा, आप जो कुछ भी खाते हो, डजेंट मैटर, वाइट राइस, चिकन, मैं नॉर्मली बॉयल चिकन खाता हूँ, बट आप उसको कुक करके भी खा सकते हो। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन में आपको हेल्प करेगा ये चीज़, एंड इट विल हेल्प यू टू डाइजेस्ट द फूड बेटर। उसके बाद एक एक्सटर्नल चीज़ है, दैट इज़ वे प्रोटीन। अगर आपका बजट है तो आप कर सकते हो। इस बजट में, इस वीडियो के बजट में वो ऐड नहीं था। आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स 4000 तक का आता है वे प्रोटीन, 4500 तक का आता है एक अच्छा ब्रांड का। तो आप एमबी का भी अगर यूज़ करोगे तो आपको 4546 तक में मिलता है 2 kg का, तो आप वो भी ले सकते हो। गाइस ये था वीडियो आज का, और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो भी मैंने आपको दिखाया रियलिटी में, ये मैं खाता हूँ। मेरा बॉडी फिजिक आपने देखा, यहाँ पे एक फ़ोटो होगा, देख सकते हो मेरा अभी का कंडीशन। एंड इसमें आपको एक ही चीज़ करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कहीं हम जा रहे हैं, बाहर भी जा रहे हैं, तो अपने आप को कंट्रोल करना, वो क्रेविंग को कंट्रोल करना, घर आके खाना खाना या घर से खाना लेके जाना बाहर खाना, क्योंकि इट्स योर बॉडी। अगर आपको अच्छी फिजिक चाहिए, आपको अच्छा नंबर पुल करना है, अच्छा फिजिक रखना है, तो आपको डाइट से आप चोरी नहीं कर सकते हो, मतलब डाइट से चीट नहीं कर सकते हो। बिकॉज डाइट से अगर आप चीट कर रहे हो तो आप अपने साथ चीट कर रहे हो, क्योंकि वो प्रोग्रेस आपके बॉडी में दिखेगा, किसी और के लिए नहीं। आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है तो आपको अपना डाइट, अपना सेल्फ कंट्रोल, अपना सेल्फ कंट्रोल जो होता है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो, होप आपको मज़ा आया होगा देखने में, कुछ सीखने को मिला होगा, मैं क्या खाता हूँ, क्या सोर्स है। और रियलिटी में गाइस, मैं जब कॉलेज में था तो मेरे पास इतना ही बजट था, और मैं ऐसे ही करता, मेरे पास कोई सप्लीमेंट नहीं था, मैं ऐसे करके भी अच्छी फिजिक, अच्छी स्ट्रेंथ मेंटेन करके रखा था। उस समय भी मैं पावर लिफ्टिंग खेला था अपने कॉलेज के इवेंट में, एंड आप जानते हो उसका रिजल्ट क्या था, मैं हर कंपटीशन में फर्स्ट एंड स्ट्रॉन्ग मैन बनता था, इवन ऑन माय कॉलेज, जो मेरा यूनिवर्सिटी था, 7000+ स्टूडेंट थे वहाँ पे, बट फिर भी मैं जब भी पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन होता था तो मैं सबसे फर्स्ट अपने कैटेगरी में एंड स्ट्रॉन्ग मैन ही बनता था। तो ये डाइट के साथ भी यू कैन ट्रेन योर सेल्फ, यू कैन बिल्ड अ गुड फिजिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव एंड सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर।